हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं नीलम की रेसिपी और मैं हूं नीलम। तो आज मैं बताने वाली हूं आपको ये मिकी माउस डेकोरेशन कि आप ये खास तौर से स्कूल कंपटीशन के लिए है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं कुछ उनके लिए बताऊं जो कि वो स्कूल में ईजी तरीके से बना सकें। तो ये मैंने मिकी माउस बनाया आपके लिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, जितने लोग फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को। छोटी सी घंटी है उसको प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है। अभी मैं डेकोरेशन स्टार्ट करूंगी क्योंकि कटिंग इसमें मैं डेकोरेशन करते वक्त ही कर लूंगी। ये मैंने लिया है यहाँ पे कैबेज, ग्रीन कैबेज, जो कि कटिंग करना बिल्कुल सिंपल। आप देख सकते हैं मैंने छोटे छोटे रफली चॉप कर लिए इसे, जिसे हम सब्जी बनाने के लिए कट करते हैं, और उसे इस तरह मिकी माउस के शेप में हम करेंगे हैंड से ही। इसके लिए आपको सर्कल प्लेट चाहिए या आप थोड़े बड़े साइज़ के ही प्लेट में इसको बनाए, तभी मिकी माउस आपका अच्छा बन पाएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरह शेप दे दिया है, पहले उसके माउथ को बनाएंगे इस तरह। धीरे धीरे करके आप इसको डेकोरेट करेंगी तो ये बिल्कुल फिनिशिंग बनेगा। उसके बाद यहाँ पे कैबेज लिया है मैंने, ये पर्पल कैबेज है। अगर आपके पास पर्पल कैबेज नहीं है तो हमेशा की तरह एक ही बात कहूँगी कि आप यहाँ पे बीटरूट यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि आपने देखा है कि जो हमारा मिकी माउस होता है उसके ऊपर वाला हिस्सा ब्लैक होता है, तो ब्लैक तो सैलेड में कुछ नहीं होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसे ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास ब्लैक है तो आप यहाँ पे ग्रेप्स ऐड कर सकती हैं, काला वाला अंगूर ऐड कर सकती हैं यहाँ पे। तो अभी मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था तो यहाँ पे मैं इसलिए ये पर्पल कैबेज ही ऐड कर रही हूँ, और उसे इस तरह शेप देंगे हम बिल्कुल, जिसे कि ये बिल्कुल मिकी माउस सा लगे। तो ये देखिए अभी से ये लगने लगा कि मैं इसे मिकी माउस बना रही हूँ, क्योंकि थोड़ी सी फिनिशिंग होती है जो डेकोरेशन और सुंदर होता है। यहाँ मैंने लिया है ये देखिए बीटरूट, बीटरूट को बिल्कुल सर्कल सर्कल कट कर लिया है, और ये देखिए यहाँ पे मैं बना रही हूँ डिज़ाइन, ये देखिए जिससे कि मैं उसके आइज़ बना सकूँ। तो इस तरह उसके आइज़ बना लीजिए, और एक जब आइज़ आप बनाएंगी तो सेकेंड वाला सेम उसी शेप में कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह कट कर रही हूँ, ये देखिए तो इसके आइज़ बन गए हैं, क्योंकि मिकी माउस के आइज़ ऐसे ही होते हैं। तो इसको यहाँ पे हम शिफ्ट कर देंगे, ये देखिए कुछ इस तरह। उसके बाद इसके नीचे हिस्से को हम बनाएंगे, तो ये है कैरेट, कैरेट को इस तरह लंबे शेप में हम कट करके और इस तरह हम रख लेंगे, ये देखिए। अब यहाँ पे हम इसके और थोड़े से डिज़ाइन जो नीचे हैं उसको हम बनाएंगे, तो इसका नोज़ बनाने के लिए, तो नोज़ बनाने के लिए भी हम बीटरूट का ही यूज़ करेंगे, ये देखिए। उसको आप नाइफ से छोटा या बड़ा कर सकती हैं, अगर ये भी प्रॉब्लम हो तो आप सीजर का यूज़ कर सकती हैं, अगर आपको ये नाइफ से कट करने में प्रॉब्लम हो रही हो तो। अब इसकी स्माइल बनाएंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे भी मैंने बीटरूट का ही यूज़ किया है इस तरह। अब यहाँ पे इसके लिप्स को थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए हम तरह इसमें ऐड करेंगे, ये देखिए। तो अब ये इसका लिप हो गया, और यहाँ पे हम बनाएंगे थोड़ा सा, आप ये देखिए कैरेट को ही कटिंग करके यहाँ पे स्माइली के लास्ट में इस तरह ऐड करेंगे, ये देखिए। तो कितना इजी है मिकी माउस बनाना आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। लेकिन मिकी माउस के आईज में अभी हम बनाएंगे, तो यहाँ मैंने लिया है रेडेस यानी मूली, क्योंकि मिकी माउस के आइज़ में वाइट वाइट होते हैं या सभी के आंखों में होते हैं, तो ये अगर वाइट रेडिश हम इसमें डालेंगे तो ये एक फिनिशिंग लुक आएगा, ये देखिए कुछ इस तरह हम ऐड करेंगे। और इसमें मैंने फिर से कैरेट ऐड किया है ऊपर से, तो ये आपका जो मिकी माउस है अब बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है। आप देख सकते हैं कितना सिंपल है, कितना इजी है इसे बनाना। ये मिकी माउस का डेकोरेशन आपके लिए बनके बिल्कुल तैयार है। आपने देखा कि इसको बनाने में बिल्कुल मेहनत नहीं है, बहुत ही जल्द डेकोरेट हो जाता है, इसलिए जब स्कूल कंपटीशन में बच्चे इसको डेकोरेट करेंगे तो इसलिए इसमें मैंने लिमिट इंग्रेडिएंट्स ऐड किया है, और बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया इसे बनाना, जो बहुत ही सिंपल है इसको बनाना। और ये ख़ासतौर से अगर आप चाहें तो आप घर में भी डेकोरेशन इसका बना सकती हैं, डेकोरेट कर सकती हैं, ख़ासतौर से बच्चों को सैलड खिलाने के लिए अच्छा सा डेकोरेशन है। इस तरह के आप जो आपका डिनर है वो भी आप सर्व कर सकती हैं। तो चलिए आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, फ्रेंड के साथ शेयर।